तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टेक्निकल माइंड चैनल। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक 2SC5200 का बोर्ड लाऊंगा जो कि 100+100 का रहेगा। तो मैं वो बोर्ड लेके आ गया हूँ, तो चलिए उसके अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो यही बोर्ड मुझे मिला है, मैंने खरीदा, पता नहीं ये ऐसा क्यों दिया हुआ है। एडवांटेज का है ये बोर्ड, स्टूडियो है दोस्तों, मोनो नहीं है। लेकिन इसकी बोर्ड मतलब यहाँ पर प्लग का दिया हुआ होल्डर पिन का, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा बोर्ड रहा। ये देखिए दोस्तों, इसे हम कर लेते हैं साइड में, ये हमारा बोर्ड है। तो चलिए इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बोर्ड रहा, इसको भी साइड करते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बोर्ड है। बोर्ड तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी में दोस्तों। इसकी हीटसिंक देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी दी हुई है, जबकि 4 MOSFET यहाँ तक है, फिर भी यहाँ तक की हीटसिंक दी हुई है 2 MOSFET की और ज़्यादा बढ़ाकर। और बोर्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये बोर्ड आपको अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो 450 से 500 के बीच में आपको ये बोर्ड मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन लेते हो तो आपको 800-900 में ये बोर्ड मिलेगा। ये देखिए, इसकी मतलब कंपनी की ब्रांडिंग दी हुई है एडवांटेज। और इसकी कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो चलिए इसके कनेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी VE+ लिखी हुई है, जो कि ये देखिए इसकी VE+ है और ये VE- है। तो ये दोनों में हम जो आपको मैंने दिखाया था कन्वर्टर, उसकी जो प्लस है इसमें आएगी और उसकी जो माइनस है इसमें आएगी और जो ग्राउंड है इसमें जाएगी। और बाकी कनेक्शन बचे हैं तो स्पीकर आउट की। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है SP, तो एक स्पीकर का ये है और ये ग्राउंड आप लोग तो जानते ही हैं। और ऑडियो इन की, तो एक यहाँ पर देखिए इन लिखा हुआ, तो ये इन रहा और इधर वाला ग्राउंड है। और फिर से स्पीकर दिया हुआ, तो ये दोनों आप जान ही रहे हैं। और एक यहाँ पर इन दे देना, ग्राउंड तो हम लोग दे चुके हैं। तो कुछ ऐसे इसकी मतलब कनेक्शन है। बोर्ड की आप लोग क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में ये बोर्ड है दोस्तों। बोर्ड बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में, बहुत ही अच्छी है। तो बाकी इसकी तरफ देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें सारे कैल्ट्रॉन के कैपेसिटर यूज किए हुए हैं। और 33 ओम में 5 वाट में इसकी रेजिस्टेंस लगी हुई है। और इसमें जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, TT5200 नहीं 2SC5200 आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए 2SC5200, 2SC1943, 2SC5200, 2SC1943। और सारे के सारे ट्रांजिस्टर इसके ओरिजिनल है, लोकल कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं है। एक मिनट में कैमरा का फोकस मेरा नहीं मिल रहा, ये देखिए देख सकते होंगे आप लोग 2SC5200 है, ये TT5200 नहीं है। दोनों ट्रांजिस्टर सेम ही होते हैं, लेकिन दोस्तों 2SC5200 की थोड़ी सी जो साउंड क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, इसकी बेस थोड़ी ज़्यादा होती है TT5200 में। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बोर्ड की क्वालिटी। और ये बोर्ड के साथ मैंने एक ये फैन लाया हूँ जो कि एम्पलीफायर में लगेगा इसे ठंडा करने के लिए। और ये फैन है, इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ कि कुछ इस तरीके से इसमें डाला हुआ था। ये देखिए, ये फैन है जो कि 12 वोल्ट 1 एम्पियर पे रन करती है, छोटी सी फैन है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 12 वोल्ट 1 एम्पियर। और बाकी में इसके कनेक्शन आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं डाल सकता हूँ। और हाँ दोस्तों, इसमें जो मैं बेस्टेबल बोर्ड और अथी कन्वर्टर यूज करने वाला था, जो कि 12 वोल्ट से 30 में कन्वर्ट होता है, उसकी वीडियो आप मेरे चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं दोस्तों।
और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।